Good morning, everyone. In the last meeting, we were discuss about the food chain and food web. In this meeting, we are going to discuss the trophic level. Trophic level, each step in a food chain where the transfer of food energy is take place, called trophic level. First trophic level consists of producer. Second trophic level consists of primary consumer. Third trophic level consists of secondary consumer. Fourth trophic level consists of tertiary consumer. Since the transfer of food energy decreases at each and every trophic level, the number of trophic level आर लिमिटेड दे डू नॉट एक्सीड फोर टू फाइव स्टेप बेटा जो फूड चेन है उसमें जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में हम चलते हैं तो जो फूड एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है उसका कुछ अमाउंट ही फूड एनर्जी का आगे ट्रांसफर होता है बाकी वो प्लांट कुछ यूज़ कर लेता है एंड लूज कर देता है एनवायरमेंट में अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करें एनर्जी फ्लो का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो यहाँ पर देखिए प्रोड्यूसर बॉटम में है काफ़ी ब्रॉड है इसका बार ग्राफ मींस प्रोड्यूसर के पास काफ़ी ज्यादा एनर्जी है व्हेन दिस एनर्जी इज़ ट्रांसफर टू द प्राइमरी कंज्यूमर वही एनर्जी थोड़ी कम हो रही है देन इट विल बी ट्रांसफर टू द सेकेंडरी कंज्यूमर और ज़्यादा कम हो रही है एनर्जी एंड वेन इट विल बी ट्रांसफर टू द टर्सरी कंज्यूमर वो एनर्जी जो है काफ़ी कम हो रही है इस वजह से जो है हमारे पास जो ये ग्राफ है इसका एक पिरामिड हमारे पास आ गया प्रोड्यूसर है व लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ठीक है एंड उससे थोड़ी कम जो है प्राइमरी कंज्यूमर के पास है देन सेकेंडरी कंज्यूमर के पास और थोड़ी कम हो गई है एंड टर्सरी कंज्यूमर के पास काफ़ी कम हो गई है तो हमारे पास ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है जो हमने एक ड्रॉ किया है वो एक पिरामिड शेप का बन गया है एनर्जी फ्लो इन ट्रॉफिक लेवल ग्रीन प्लांट्स बट ग्रीन प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस होती है हम यहां पर एनर्जी फ्लो को एक बार ट्रॉफिक लेवल में समझने की कोशिश कर रहे हैं ग्रीन प्लांट विच आर नोन एज अ प्रोड्यूसर एब्जॉर्ब वन परसेंट ऑफ सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन द लीब्स एंड स्टोर इट एज अ फूड एनर्जी ड्यूरिंग द फोटोसिथिसिस बहुत ध्यान से समझे मैं क्या कह रही हूँ जितने भी सन से जो एनर्जी ग्रीन प्लांट पे आती है उस एनर्जी का वन परसेंट एनर्जी जो है वो प्लांट जो है ऑब्जॉर्व कर पाते हैं और स्टोर कर लेते हैं लीव्स के अंदर ठीक है एंड ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी

Only ten percent of energy transfer to next trophic level. So there is decrease in the amount of food energy transfer at each and every trophic level, and this is known as ten percent law. What is ten percent law? When the amount of energy which will be absorbed by the producer that will be transfer only the 10% of its energy to the next trophic level and 90% of energy that will be lost into the environment. And next trophic level also transfer the 10% of energy to the next trophic level. This is known as a 10% law. Let's understand this 10% law. विद विदी हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल बहुत ध्यान से समझेंगे इस एग्जाम्पल को बेटा आप यहां पर देखिए दिस इज द सन फॉर सन से जो है सोलर एनर्जी प्लांट पे आ रही है ठीक है प्लांट पे आ रही है अब प्लांट जो है उस वन थाउजेंड जूल एनर्जी का वन परसेंट ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो वन थाउजेंड जूल एनर्जी का वन परसेंट कितना हो गया टेन जूल टेन जूल प्लांट ने ऑब्जॉर्व कर लिया एंड टेन जूल ऑब्जॉर्व करने के बाद उसने ठीक है देखो प्लांट सन से उस पर एनर्जी आई हमारे पास जो है सॉरी प्लांट से सन से जो एनर्जी आई ठीक है वो वन थाउजेंड जूल उसके पास आई ये मान के चले हम वन परसेंट आई मतलब वन परसेंट जो है वो वन थाउजेंड जूल है 1000 जूल में से 90 परसेंट वो लूज करेगा यानी कि 990 जूल एनर्जी रिफ्लेक्टेड टू एनवायरनमेंट, ओनली 10 परसेंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड तो सिर्फ वो 10 10 जूल एनर्जी ट्रांसफर करेगा हरबी बोर्स को अब हर बोर्स हरबी बोर्स भी क्या करेंगे नाइन जूल ऑफ एनर्जी दैट विल बी लूज इनटू द एनवायरनमेंट एंड वन जूल ऑफ एनर्जी अवेबल फॉर देयर फॉर द हर्वीवोर्स एंड दे ट्रांसफर द वन जूल ऑफ एनर्जी टू प्राइमरी कार्निवोर्स वन जूल एनर्जी टेन परसेंट का टेन जूल का टेन परसेंट है ठीक है अब जो है प्राइमरी कार्निवोर्स के पास जो एनर्जी है वन जूल उसका भी वो जीरो पॉइंट नाइन जूल एनर्जी जो है एनवायरमेंट में लूज कर देंगे एंड टेन परसेंट एनर्जी दैट इज अ पॉइंट वन जूल दैट विल बी ट्रांसफर टू द सेकेंडरी कार्निबोर्स ठीक है एब सेकेंडरी कार्निवोर्स अगेन लूज द नाइंटी परसेंट ऑफ एनर्जी इन टू द एनवायरमेंट दैट इज अ पॉइंट Zero 09 joule and for the next trophic level, 10% of 0.1 joule that is 0.01 joule is available. In this way, at each trophic level, 10% of energy is passed, 90% of energy is lost into the environment.

उतनी कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो सफिशियंट नहीं है ठीक है तो दिस इज द टेन परसेंट लॉ सो देर इज अ डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फूड एनर्जी ट्रांसफर एट ईच ट्रॉफिक लेवल बाय टेन परसेंट दिस इज कॉल्ड टेन परसेंट लॉ नेक्स्ट वनिशा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बट बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है बायो मैग्निफिकेशन भी हम इसे कहते हैं हार्मुल केमिकल लाइक इंसेक्टीसाइड्स पेस्टिसाइड्स विच आर यूज टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट पेस्ट ऑब्जर्व बाय द प्लांट एंड एंटर इन टू द food chain since these chemical are known biodegradable these chemical are known biodegradable they get accumulated at every trophic level and their concentration increase since human being occupy the highest trophic level the concentration, concentration of these harmful chemical इज मैक्सिमम इन आर बॉडी दिस फिनोमिना इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन देखो बेटा एक बात दोबारा से समझे हम क्या बात कर रहे हैं मान के चले कि एक वॉटर बॉडी है ठीक है एक वॉटर बॉडी है और उस वॉटर बॉडी के पास कुछ क्रॉप फील्ड है हमने क्या किया उस क्रॉप फील्ड में कुछ पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे कर दिया ताकि हमारी क्रॉप्स प्रोटेक्ट हो सके फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट अब वो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो है उन प्लांट्स ने भी ऑब्जॉर्व कर लिए ठीक है सिर्फ वो उन इंसेक्ट या पेस्ट से ही प्लांट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो उस प्लांट्स के अंदर भी चले गए दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि रेनफॉल हुआ रेनफॉल की वजह से जो वाटर है वो फ्लो होता हुआ वाटर बॉडी में भी चला गया दो कंडीशन हम ले रहे हैं ठीक है वन कंडीशन दीज केमिकल सब्सटेंस इज ऑब्जॉर्व बाय द प्लांट एंड सेकंड कंडीशन वो जो है कुछ जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड और इंसेक्टीसाइड्स है दैट विल बी डिजोल्व इन अ रेन वाटर एंड गो टू द वाटर बॉडी नियर बाय दिस फील्ड अब दोनों ही कंडीशन में प्लांट में अगर वो गए हैं क्रॉप फील्ड में वहाँ उस क्रॉप को खाएंगे ह्यूमन बींग ठीक है तो वो केमिकल सब्सटेंस ह्यूमन बॉडी में भी चले जाएंगे अब बाकी सब्सटेंस जब ह्यूमन बॉडी में जाता है तो उसका बायोडिग्रेडेशन होता है बट क्योंकि वो केमिकल सब्स्टांस नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चलेगा सेमे में अगर हम सेकेंड टाइप से पढ़ें कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वाटर में चले गए डिजॉल्व होकर वाटर से वो एक्वाटिक प्लांट में चले जाएंगे एक्वाटिक प्लांट्स में एकामोलेट होते चलेंगे एक्वाटिक प्लांट्स को खाएंगे एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिशेस तो फिशेस में भी एकामोमेशन होता चलेगा क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो जितनी बार भी फिशेस खाएगी उन एक्वाटिक प्लांट्स को उतनी बार जो है वो केमिकल उनकी बॉडी में जा रहे हैं और कैमोल्यूट हो रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन फिश की बॉडी में ज़्यादा हो रही है अब फिशेस को ह्यूमन खा रहा है ह्यूमन कंज्यूम कर रहा है ठीक है तो बार बार कंज्यूम कर रहा है तो बार बार वो जो है केमिकल सब्सटेंस ह्यूमन बॉडी में आ रहा है ठीक है तो ह्यूमन बॉडी में उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चलती जा रही है इस तरह से मैक्सिमम जो है उन हार्मफुल केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा होगी मीन्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्स्टांस गोज ऑन इनक्रीजिज एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्वाइट हार्मफुल होता है ये जो है उस एनिमल को जो हाइएस्ट ट्रॉफिक लेवल पर है क्योंकि उसकी बॉडी में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ जाएगी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्स्टांस की तो दिस इज ऑल फॉर टूडे थैंक यू हैव अ नाइस डे